हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय मैन, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जिन की जानकारी देने वाली हूँ, जो कि चुटकियों में काम, मतलब कहते हैं ना, कैसा भी काम हो, हमारी कैसी भी विश्व चुटकियों में पूरी करता है। उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही बात है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, क्योंकि उनको देखना ही अपने आप में मतलब एक शैतान को देख लेने जैसा बराबर है। बाकी हमें कोई हानि नहीं पहुँचाते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देते। इसे शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। रात को 10 बजे के बाद सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद आसन रखना है, सामने 5 अगरबत्ती जलानी है, 5 गुलाब रखना है और इत्र डालना है और सफ़ेद बर्फी की मिठाई रखनी है और 21 बार सूरह जिन की पूरी आयत आपको पढ़नी है। उसके पहले दरूद शरीफ आगे 11 बार पढ़ना है और सूरह जिन पूरी होने के बाद 11 बार आपको उसे फिर से पढ़ के फिर पूरी अपनी जो भी विश है वो बोल के फिर उठनी है कि वो सिद्ध हो सके। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब तक आप सिद्धि करोगे तो कभी सिद्धि के दौरान 40 दिन के अंदर आपको डरावनी शक्ल दिखेगी या कुछ भी ऐसा दिखेगी, वो परीक्षा बहुत लेंगे। लेकिन एक सिद्धि होने के बाद वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, उल्टा आप जो बोलेंगे आपका काम चुटकियों में करेंगे। इस जिन का नाम है अलाउद्दीन जिन। ये बहुत पावरफुल है, कहते हैं ना दुनिया में अगर सबसे पावरफुल जिन है तो यही है। इससे सिद्ध कर लीजिए, जैसी भी मनोकामना हो, किसी का भी आगा पीछा जानना हो, कुछ भी भूत भविष्य जानना हो या कुछ भी, एनीवन ऐसा इम्पॉसिबल काम ये पूरा कर सकता है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ। और इसके लिए हमें माला की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हकीक की माला होनी चाहिए। हकीक की माला से ही इसका जाप होगा। और 40 दिन हमें ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के घर नहीं जाना है, किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और जब आपके सामने वो हाजिर हो तो उसकी कोई बात नहीं माननी, आपको अपनी बात मनवानी है। जैसी वो आपकी बात मान लेगा तो आपको कोई ना कोई चीज़ देगा, अपनी कुछ भी देगा, ऐसे परछाई के तौर पे आपको देगा, एकदम हकीकत में नहीं। आपको लगेगा कि आपके हाथ में उसने कुछ भी रखा, अंगूठी या कड़ा या कुछ भी रखा, फिर समझ जाइए कि वो सिद्ध हो गया। बस और कुछ नहीं करना है।